प्यारे बच्चों और केट समझते चले गए नाजरीन, 12 दिन के बाद इस प्यारे से प्रोग्राम को हाजिर हुए हैं जिसका नाम है जी हाँ हमारा इस्लाम। प्रोग्राम का नाम है, आप सब जानते होंगे कि इस प्यारे से प्रोग्राम में क्या क्या होता है। अगर कोई हमारे न्यू व्यूवर आए हैं तो हम इन्हें बता देते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो कौन बताएगा, आप बताएंगे, चले बताएं, लेकिन तरतीब बार बताना होगा आपने। सारी एक्टिविटीज, हाँ सारी बता दीजिए। कलाम नहीं, पहले तो कलाम नहीं होता। आए मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं, ठीक। तिलावत कुरान पाक, कलाम, एक्टिविटीज। अच्छा एक्टिविटीज बस, वो फाइंड द मिसिंग लेटर, सही है। कैलेंडर एक्टिविटी, आसान सा वाला, सही है। वो कौन है, वो क्या है, सही है। एक्टिविटी टाइम, अच्छा। बॉक्स एक्टिविटी, अच्छा। आए दुआ सुने, अच्छा। अच्छी बात है, बस चले। फाइंड द मिसिंग लेटर, सही है। एक रह गया जो बहुत ही आसान होता है यार, जी कैलेंडर एक्टिविटी। आसान सवालात होते हैं ना, सबसे आसान एक्टिविटी का नाम ही नहीं बताया आपने, क्या होते हैं आसान सवालात। तो प्यारे बच्चों पढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है आए मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। दुरूद पाक की फजीलत को इस प्यारे से प्रोग्राम में शामिल करते हैं और प्रोग्राम को और प्यारा बनाते हैं। दुरूद पाक की फजीलत, तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पाक पढ़कर सजाओ, क्योंकि तुम्हारा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना कयामत के दिन तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लू अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वाले वसल्लम। प्यारे बच्चे, तो माँ है दुरूद सलाम है ना, हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। प्यारे बच्चे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है तिलावत कुरान पाक। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बला मन कसब सैयतन,
وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون صدق الله العظيم سبحان الله माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक आपको बार बार मीठे मदीने की हाजिरी नसीब फरमाए आमीन। प्यारे बच्चों आज का सवाल है किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन से, सवाल है नमाज जुमा की टोटल रकातें कितनी हैं, नमाज जुमा की टोटल रकातें कितनी हैं, नमाज जुमा की टोटल रकातें कितनी हैं। प्यारे बच्चों बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है कलाम। हमारा इस्लाम हमारा इस्लाम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद अल्लाह उम्मा सल्ले अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व सहबीही व बारिक व सल्लम खाके मदीना होती मैं खाक सार होता खाके मदीना होती मैं खाक सार होता होती रखे ओ
रब तो इसे आका इंतजार होती रखे मदीना मेरा गोपार गोता सालिक اللہ پاک ہم سب کو بار بار میٹھے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے ہیں. آمین. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی. احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی. آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی. شاہ ہر دوسرا سب سے آخری نبی. تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی. ہیں حبیب کبریا سب سے آخری نبی. ہیں شفیع الورا سب سے آخری نبی. آسیوں کا آسرا اعتقاد فاطمہ ہے یقین عائشہ عقیدہ سب صحابہ کا عقیدہ اہل بیت کا عقیدہ غوث پاک کا بچہ بچہ بول اٹھا ہے عقیدہ اے رضا نعرہ عطار کا سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی. آج کا سوال دوبارہ دہرا دیتا ہوں. نماز جمعہ میں ٹوٹل کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آسان سوالات. ہمارا اسلام ہمارا اسلام. جی تو پیارے بچوں سیگمنٹ کا نام ہے آسان سوالات. سوالات تو یہ ایکٹیویٹی بہت ہی آسان. کیا ایکٹیویٹی؟ آسان. بہت ہی آسان ہے. تو جی آسان ایکٹیویٹی کا شروع کر دیتے ہیں اور جوابات آئیں گے نہیں آئیں گے آپ؟ آئیں گے. آ جائیں گے. چلے پھر پہلا سوال ٹیم ہے سے. جنت میں جنتی کی زبان پر کیا جاری ہوگا؟ اللہ اکبر کیا کمال کا سوال ہے. جنت میں جنتی کی زبان پر کیا جاری ہوگا؟ تسبیح نعت یا منقبت؟ جی تسبیح. جی ہاں پیارے بچوں جنت میں جنت کی زبان پر کیا جاری ہوگا؟ تسبیح جاری ہوگی. آپ کا جواب اللہ پاک ہمیں جنت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے. آمین. جی تین بھی سوال ہے آپ سے. جنت میں داخل ہونے والی سب سے پہلی جماعت کے چہرے کیسے ہوں گے؟ دوبارہ سوال دہراتا ہوں. جنت میں داخل ہونے والی سب سے پہلی جماعت کے چہرے کیسے ہوں گے؟ روشن ستارے جیسے یا دودھ کی طرح سفید یا چودھویں رات کے چاند جیسے؟ جی چودھویں رات کے چاند جیسے. اچھا جی آپ بتائیں گے؟ نہیں بتائیں گے سر آپ بتائیں. چودھویں رات کے چاند جیسے. جی آپ بتائیں. چودھویں رات کے چاند کے جیسے. ہاں پیارا کبھی چودھویں کا چاند دیکھا ہے آپ نے؟ دیکھا کتنا پیارا ہوتا ہے نا, پورا راؤنڈ شیپ میں ہوتا ہے اور بہت ہی پیارا ہوتا ہے. اور سوال یہ ہے جنت میں داخل ہونے والی سب سے پہلی جماعت کے چہرے کیسے ہوں گے اور جواب کیا ہے؟ چودھویں رات کے چاند جیسے.
जी हाँ, चौदहवीं रात के चांद जैसे होंगे। आपका जवाब दुरुस्त है। चलो ना माइक देने से कुछ बात करते हैं, आज नए बच्चे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सलाम बरकात। वालेकुम सलाम जी, कैसे आप? ठीक है? ठीक है। आपका नाम क्या है? अबू बकर। अबू बकर माशाल्लाह जी। अबू बकर सिद्दीक इस्लाम के कौन से खलीफा हैं? जी हाँ, पहले खलीफा हैं माशाल्लाह। अबू बकर भाई, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। ठीक है जी। टीम में सवाल है आपसे, किस नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में मच्छरों का अजाब आया था? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। इनमें से जवाब दुरुस्त क्या है? आपको नहीं पता? नहीं सर, आप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। वैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस ऑप्शन में नहीं है जो मैंने बताया। जी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। अच्छा जी, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। अच्छा आप क्या कहते हैं? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हाँ वैसे बच्चे जवाब देते ना, एक इशू होता है इसमें, जो आपने जवाब दिया है आप कहते हैं नहीं हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ही बताओ, तो ऐसा नहीं करें। क्या पता आपका जवाब गलत हो, उनका भी जवाब गलत हो जाए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जी हाँ, इन्होंने जवाब दिया हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इनका जवाब माशाल्लाह। टीम भी सवाल है आपसे, अल्लाह पाक की रजा के लिए एक दिन का इतकाफ करने वाले के और जहन्नम के दरमियान कितना फासला कर दिया जाता है? मशरिक को मगरिब से ज्यादा, जमीन और आसमान से ज्यादा, चांद और सूरज से ज्यादा? जी मशरिक और मगरिब से ज्यादा। मशरिक और मगरिब से ज्यादा। जी आप क्या कहते हैं? मशरिक और मगरिब से ज्यादा। मशरिक और मगरिब से ज्यादा। जी आप क्या कहते हैं? मशरिक और मगरिब से ज्यादा। चलें आप बताएं। मशरिक और मगरिब से ज्यादा। जी हाँ प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक की रजा के लिए एक दिन इतकाफ करने वाले के और जहन्नम के दरमियान कितना फासला कर दिया जाता है? मशरिक और मगरिब से ज्यादा। इनका जवाब सुभान अल्लाह। टीम में सवाल है आपसे, इमामा शरीफ में दो रकातें बगैर इमामे वाली कितनी रकातों से बेहतर है? 70, 80 या 60? 70 जी। 70 अच्छा जी। 70 जी हाँ प्यारे बच्चों, सवाल भी कितना प्यारा है कि इमामा शरीफ में दो रकातें बगैर इमामे वाली कितनी रकातों से ज्यादा बेहतर है? तो कितनी रकातों से? 70 रकातों से। अगर एक रकात पढ़े हम बगैर इमामे के तो एक रकात का सवाब मिलेगा। अगर इमामा शरीफ हमारे सर पर हो और एक रकात पढ़े तो कितनी रकातों का सवाब मिलेगा? 70। तो आज से सब नियत कर लें कि नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह अज़ वज़ल और इमामा पहन के पढ़ेंगे। ठीक है? हाँ सॉरी, एक रकात के दिया मैंने, दो रकातें हैं। ठीक है जी। टीम भी सवाल है आपसे, हदीस पाक के मुताबिक फजर और मगरिब की नमाज के बाद 7 मरतबा अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार पढ़ने वाले को किस चीज़ की खुशखबरी दी गई है? जहन्नम से आज़ादी, लंबी उम्र की या रिस्क में बरकत की? जी जहन्नम से आज़ादी। जहन्नम से आज़ादी। आज़ादी जी आप क्या कहते हैं? जहन्नम से आज़ादी। जी हाँ, इनका जवाब दुरुस्त है सुभान अल्लाह। टीम में सवाल है, जिस कलाम में अल्लाह पाक की शान और अजमत बयान की जाए उसे क्या कहते हैं? मनकबत, नात या हम्द? जी मनकबत। मनकबत अल्लाह अकबर। जी हम्द। हम्द जी। हम्द। हम्द जी। हम्द। हम्द। प्यारे बच्चों हमारे साथ नात ख्वान भी मौजूद हैं, तो अगर आप कोई फरमाइश करना चाहें तो कर सकते हैं। इजाज़त है जी? इजाज़त दे दी इन्होंने। जी इन्होंने कहा हम्द। इनका जवाब दुरुस्त है जी। टीम भी सवाल है, मैं आपको ऑप्शन दूँ पहले या सवाल करूँ? नहीं पहले ऑप्शन दूंगा। ठीक। हज़रत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला, हज़रत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला, हज़रत अनस रदी अल्लाह तआला, ये ऑप्शन है आपके पास। अब बताएं इनमें से किसका लकब सैयदुश्शहदा है?
جی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھا اچھا آپ کیا بتا رہے ہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی ہاں پیارے بچوں سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جواب درست ہے ویسے آپ کو پتہ ہے سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف کہاں ہے نہیں پتہ یہاں کسی کو معلوم ہے مزار شریف ہے مدینہ منورہ میں کہاں ہے مدینہ منورہ میں جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین دوبارہ میں آج کا سوال دہرا دیتا ہوں نماز جمعہ کی ٹوٹل رکعتیں کتنی ہیں نماز جمعہ کی ٹوٹل رکعتیں کتنی ہیں نماز جمعہ کی ٹوٹل رکعتیں کتنی ہیں جی کال چلیں میرا نام محمد نظام فرید ہے میں کلر فیضا سے بات کر رہا ہوں میں آج آپ کو سونے سے پہلے کی دعا سناؤں گا سونے سے پہلے کی دعا اللہم بسمک اموت واحیا جزاکم اللہ خیرا آمین جزاک اللہ خیرا ماشاء اللہ پیارے بچوں آپ سوال کا جواب تو دے سکتے ہیں لیکن اگر آپ سوال کے جواب کے ساتھ کچھ اور بتانا چاہیں تو بتا سکتے ہیں آپ تلاوت قرآن پاک بھی سنا سکتے ہیں ہم بھی سنا سکتے ہیں اور کلام بھی سنا سکتے ہیں اگر من کا بچہ ہے تو من کا بد بھی سنا دیں من کا بچہ ہے تو من کا بد بھی سنا سکتے ہیں اچھی باتیں بتا سکتے ہیں اور نعرے بھی لگا سکتے ہیں پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کیلنڈر ایکٹیویٹی ہمارا اسلام ہمارا اسلام جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین ایک ایکٹیویٹی کی طرف بڑھتے ہیں اس کا کیا نام ہے کیلنڈر ایکٹیویٹی تو ٹیم اے سے پہلے کون آئیں گے آپ آ جائیں اسے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ زیادہ ہنس رہے ہیں مسکرا رہے تو کوئی وجہ ہے نہیں اچھا جی ٹیم اے سوال ہے آپ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی سوال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اگر آپ ہمیں کوئی آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق کوئی ایک دو اشعار سنا دیں کلام کے ویسے جب تک آپ سوچیں جب تک ان کا جواب لے لیتے ہیں پھر آپ سے سنتے ہیں ٹھیک ہے یا اس سیگمنٹ کے بعد سن لیں گے آپ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کیا ہوا ابھی وہ آپشن گزر چکا ہے ویسے یہاں کسی کو بتانے کی اجازت نہیں ہے ٹھیک ہے ٹیم بھی چلے ٹین نائن ایٹ سیون اتنا تیز تھوڑی چلے دوبارہ کریں اگر آپ کو کوئی بتایا تو بتائیے گا ٹھیک ہے ٹین جی مائک دینا جی بتائیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے بچوں اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو ہمیں ہنسنا نہیں ہے ہمیں ہنسنا نہیں ہے ہم یہاں پر سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں نا تو پھر تو ہنسنا نہیں چاہیے چلے کوئی اور آ کے بتائیں جن کو معلوم ہو جی آ جائیں اب دیکھتے ہیں آپ بتا پاتے ہیں یعنی سوال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی وہاں پہ کوئی بتا رہا ہے آپ کو بتا تو نہیں رہا نہیں بتا رہا تو وہاں نہیں دیکھیں نا آپ پھر کیلنڈر کی طرف دیکھیں
हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जी माइक देना है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। चलो टीम ए के दूसरे मेम्बर को भी नहीं आया, अब टीम बी को इजाज़त देते हैं। लेकिन आपको वैसे आपके अब दो पॉइंट माइनस किए जाएंगे, लेकिन अगर आप एक और जवाब दुरुस्त दे दिया आपने तब भी आपको पॉइंट नहीं मिलेगा, ठीक है। अब टीम बी को बुलाते हैं, अगर टीम बी ने जवाब दुरुस्त दे दिया तो इनको मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। चलें आ जाएं। जी इन्हें भी नहीं मालूम इनका जवाब भी गलत है, मुझे आना पड़ेगा। वैसे आप करीब करीब थे लेकिन आप करीब से भी दूर थे। जी जो जवाब दुरुस्त है वो है हज़रत इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हो। अब टीम बी को भी एक मार्क्स नहीं मिलेगा। चले अब टीम बी की बारी है, आ जाए। कौन आ रहे हैं? आ जाए, आप आ जाए। सवाल है فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, ये आयत कुरान पाक की कौन सी सूरत में है? बहुत ही आसान सवाल है। सूरह नूर में है या सूरह तौबा में है, सूरह इब्राहिम, सूरह बकरा, सूरह अनआम, सूरह यूनुस, सूरह आले इमरान, सूरह मुहम्मद, सूरह यूसुफ, सूरह जुमा, सूरह नूर, सूरह रहमान? क्या हुआ? क्या? चले माइक देना। सूरह रहमान में। सूरह रहमान, जी हाँ प्यारे बच्चों। فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, ये आयत मुबारका सूरह रहमान में आई है, इनका जवाब दुरुस्त है। अब इनको मार्क्स मिलेगा, लेकिन जो पीछे इन्होंने गवाया मार्क्स वो ले लिया जाएगा, तो आपके जीरो पॉइंट हैं, ठीक है, और आपके माइनस टू हैं। चले तशरीफ रखें, आ जाए टीमें। आप आएंगे? नहीं आएंगे? चले नहीं आइएगा, मसला ही नहीं है। चले आप आ जाए। सवाल है वो कौन सा इस्लामी महीना है, वो कौन सा इस्लामी महीना है जिसके नाम की जन्नत में एक जन्नत में नहर भी मौजूद है? वो कौन सा इस्लामी महीना है जिसकी नाम पर जन्नत में नहर भी मौजूद है? रजब। अच्छा, लेकिन सवाल आपने पूरा सुना भी नहीं था और डायरेक्ट आपने रजब कह दिया। चलिए माइक दे। पक्की बात है? रजब। पक्की बात है? जी जी हाँ प्यारे बच्चों, रजब इनका जवाब दुरुस्त है। जी हाँ, रजब नाम की जन्नत में एक नहर भी मौजूद है। तशरीफ रखें अरे बच्चों और किड्स मत कीजिए लेकिन नाज़रीन। अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है, क्या नाम होगा? क्या नाम होगा? आसान सवाल तो कर सब होगा। सेगमेंट का नाम है अच्छी बातें। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। तो अच्छी बात है टीम ऐसे पहले कौन बता रहे हैं? आप बताए कोई अच्छी बात और कोई नई भी हो ना। जी हमें 12 रबी अल-अव्वल में घर सजाना चाहिए। हाँ हमें 12 रबी अल-अव्वल जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मौके पर घर सजाना चाहिए। जी परचम भी लगाना चाहिए, घर सजा, घर हो तो घर सजाए, कंपनी हो तो कंपनी सजा दें और बिल्डिंग हो तो बिल्डिंग सजा दें। नाते पढ़नी भी चाहिए, सुननी भी चाहिए, हम और दुरूद पाक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने चाहिए। जी हमें किसी की दिलदारी नहीं करनी चाहिए। बेशक अच्छी बात है। छोटे की कर लें तो छोटे है ना, बड़ों की दिलदारी नहीं करनी चाहिए ना, किसी की भी नहीं। अच्छा किसी की भी नहीं करनी चाहिए। जी हाँ प्यारे बच्चों, हमें किसी की भी दिल आजारी नहीं करना चाहिए और किसी को बुरा भी नहीं कहना चाहिए, ठीक है। जी बताएं। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ झूठ नहीं बोलना चाहिए। जी हमें जुम्मे के दिन सुरमा लगाना चाहिए। जी हाँ जुम्मे के दिन सुरमा लगाना चाहिए। जी
हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक पर चलना चाहिए। जी हाँ, हमें प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत पर चलना चाहिए। जब प्यारे बच्चे दुरूद पाक पढ़े ना, आराम से पढ़े, क्या आराम से पढ़े, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। जी हमें नमाज़ें पढ़नी चाहिए, नमाज़ें पढ़नी चाहिए। जी हमें इमाम बान के नमाज़ पढ़नी चाहिए। जी हाँ, इमाम बान कर नमाज़ पढ़नी चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात कही कि जुलूस पर नियाज बांटनी चाहिए। हाँ, जुलूस पर नियाज बिल्कुल बांटनी चाहिए, लेकिन अदब व एहतराम के साथ, हाथों में देना चाहिए। बाज़ लोग होते हैं वो नियाज को फेंकते भी हैं, तो हमें आराम से नियाज देनी चाहिए। ठीक है, आराम से नियाज देनी चाहिए। चले प्यारे बच्चों, अब हमारे टीम ए और टीम बी ने तो अच्छी अच्छी बातें बताई, तो अब किस सेगमेंट की तरफ बढ़ना चाहिए? कॉल लेना, फिर कलाम भी ले लेते हैं इनसे, नाथका भाई से। ठीक है, चले कॉल चला दे। मैं मरियम मत्ता हरिया सुल नाम से बात कर रही हूँ। मैं आपको आज हदीस पाक सुनाऊंगी। قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا نبي بعدي ला नबी अबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं, सबसे आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सबसे आखिरी नबी। जी नेक्स्ट कॉल। जी अब कलाम सुन लें। जी आपका नाम अब्बास भाई है ना, चल अब्बास भी कलाम सुन। जश्न आमद रसूल अल्लाह बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है
find the missing letter. Hamara Islam, Hamara Islam. जी, टीम ए और टीम बी. टीम ए से पहले कौन आएंगे? आप आ जाएं. ए एस, एस के बाद आपने एक लेटर को यहाँ पिनअप करना है, फिर आर है, फिर ए है, और ए के बाद कुछ तो है. ए एस एच. ए एस एच आर ए एफ क्या बन गया? अशरफ. अशरफ बन गया ये. यहाँ किसी का नाम अशरफ तो नहीं है? अशरफ. अशरफ है, किसी का नाम नहीं है. अच्छा हाँ प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक ने इंसान को सबसे ज़्यादा बेहतरीन मखलूक बनाया ना, तो इंसान क्या है? अशरफुल मखलूकात. आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह. टीम बी आ जाए आप. एफ के बाद एक लेटर यहाँ मिसिंग है, फिर आर आई एस. एस के बाद यहाँ कुछ ना कुछ तो पिनअप होगा, फिर टी है, वाह है. इसके बाद आपको मालूम होगा कि यहाँ कुछ आएगा या नहीं. ए एफ ए आर आई एस. क्या एच लगा रहे हैं जी? क्या बन गई है? फरिश्ते. फरिश्ते. इस तरफ आ जाए आप थोड़ा. फरिश्ते. प्यारे बच्चों, जिस तरह इंसान में रसूल होते हैं, इसी तरह फरिश्तों में भी रसूल हो. इनका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह. टीम है आ जाएं आप. डब्ल्यू ए, ए के बाद यहाँ कुछ तो पिनअप होगा, फिर डब्ल्यू, फिर यहाँ पर एक ब्लैंक है जिसको आपने फिल करना है, फिर एस है, फिर ए है. डब्ल्यू ए एस. मानी देखे मानी. डब्ल्यू ए एस जी. वसवसा. वसवसा. थोड़ा इस तरफ हो जाए आप ताकि कैमरा दिखा सके. वसवसा. जी हाँ प्यारा बच्चों, शैतान इंसान के दिल में वसवसा डालता है. क्या डालता है? वसवसा डालता है और गुनाहों वाले काम करवाता है. और गुनाह वाले काम करवाता है. शैतान के वसवसों से बचने के लिए लाहौल शरीफ पढ़ना चाहिए. इनका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह. तशरीफ रखें आ जाए. टीम बी. एन के बाद फिल करना है आपने, फिर वाह है, यहाँ पे कुछ लेटर पिनअप होगा, फिर टी है, टी के बाद कुछ आएगा या नहीं आपको मालूम होना चाहिए. एन आई वाई. ए टी क्या बन गया? इनसे पूछेंगे हम. ठीक है. एन आई वाई ए टी क्या बन गया? जी क्या हुआ? जी नियत. नियत. नियत किसे कहते हैं? दिल के इरादे को. किसे कहते हैं? दिल के इरादे को. प्यारे बच्चों, नमाज में दोनों जानिब सलाम फेरते वक्त, क्या दोनों जानिब सलाम फेरते वक्त सात नमाजें वाले, सात नमाज पढ़ने वाले, सात नमाज पढ़ने वालों की किरामन कातिबीन की और फरिश्तों को सलाम करने की नियत करनी चाहिए. आपका जवाब दुरुस्त है. दोनों जानिब जब कहते ना अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, यूँ करते ना, तो जो नमाजी हों उनकी भी और जो किरामन कातिबीन हैं फरिश्ते हैं उनकी भी हमें नियत करनी चाहिए. तो प्यारे बच्चों, ये सेगमेंट था फाइंड द मिसिंग लेटर, जो कि पूरा हो चुका है, जो मुकम्मल हो चुका है. तो अब किस सेगमेंट की तरफ बढ़ना चाहिए? पहले नारे लगा लेते हैं, फिर दुआ सुनेंगे आपसे. ठीक है, नारों का जवाब देंगे आप? जी. चलें देखते हैं. हर सहाबी ये नबी, सब सहाबियात भी, चार यारा ने नबी, हजरत सिद्दीक भी, और उमर फारूक भी, उस्मान गनी, फातिमा और अली है
हैं हसन हुसैन भी वालदे ने नबी हर जो जाए नबी है मुआविया भी और अब सुफियान भी जन्नती जन्नती। उसके साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पर पहुंचा। मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अपने अगले एपिसोड में। सब तक आप अपना ज़रूर ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। दावत इस्लामी जिंदाबाद। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया आ गया।